क्या शुभ नाम है जी आपका? देशराज दास बधाणा। संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं तो डॉक्टर था, सन 1955 में डॉक्टर बन लिया था। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था और आर्य समाज से संबंध था मेरा। सन 62 से 72 तक आर्य समाज का प्रधान भी रहा हूँ मैं। तो फिर मेरे दो लड़के थे और तीन लड़की हैं, वो बाल बच्चेदार हो रहे थे। तो बड़ा लड़का था जो वो उसके कंपनी में वो काम करता था, बच्चे गांव में रहते थे, तो उसके अधरंग हो गया। तो मैंने अपना आप भी इलाज किया, फिर सारे डॉक्टर जानते थे, सबके पास मैं खूब फिरया हूँ। आखिर मैं कहने लगे कि राजस्थान में कोई बगड़ गांव है, वहाँ पूरा इलाज होता है अधरंग का। 1.5 महीना वहाँ भी रहे, यानी 1.5 साल तक मैं लाखों रुपए ख़त्म किए, लेकिन वो फिर मौत होगी उसकी। तो उसके बाद मेरी छोटी लड़की थी, इसके दो बच्ची थी, छोटी छोटी थी वो, तो और 14 साल का लड़का था, फिर वो गुजर गया जब तक हम नाम नहीं ले रहे थे। और ये समाज में के पूरे कट्टर थे, किसी चीज़ को मानना नहीं थे। अच्छा, तो उस द्योत्य के वियोग में उसका पिता जो मेरी लड़की का पति था वो गुजर गया 6 महीने के बाद। तो फिर जो मेरा छोटा लड़का जींद रहते थे हम पटियाला चौक पे, मेरे मैं था, वो तो अलग भी नहीं होया था, उसके दोनों गुर्दे ख़त्म हो गए। तो मैं एकदम चकराया के मैं पागल हो गया। तो 6 महीने तक मैं खाट में पड़े रहा हूँ, कोई पता नहीं मैं कि डॉक्टर भी था या नहीं था। फिर मालिक की रजा हुई है, नाम नहीं जब तक लिए, तो ऊपर से आवाज़ आई है, देशराज तेरा बड़ा लड़का गुजरिया, दिन में ठीक बोलता, रात ने तो रोता, कंधों का टक्कर मारता, क्या मिला? मैं कहूँ कौन है भाई, कौन? कुछ नहीं था, परमात्मा बोल रहे थे। अच्छा, तो फिर तेरा दोता मरिया, रातों ने रोया, क्या मिला? फिर जवाई मरिया, तो इतना रोया, क्या मिला तुझे? अब ये गुर्दों वाला मरेगा। मेरे पड़ोस में ये कंडेले वाले के घर हैं जो नाम ले रहे थे, तो आर्य समाज के कारण वो मैंने ये नहीं बता सके कि आप वहाँ ले चलो, कि यू मन नहीं गा, ये तो उल्टे हुए हैं। अच्छा, जो रमेश जैन है मेरे से दो मकान बीच को थे, तो उसने भी कभी नहीं कहा। तो जिस दिन फिर मालिक की रजा होती है, तो उस दिन मैं तो गांव में चला गया, उन बच्चों तो रहा, और ये कंडेले वाला भी तैयार हो गए। एक नरेश जेई है अर्बन स्टेट में, वो भी नामदारी है, तो वो भी कहने लगा तुम घरवाली ने तुम्हारे खाना बना लियो, मेरे तो बस आधा कप चाय का दो। एक वो नरेश है पटियाला चौक पे, उसने ले जाएंगे तो मरने वाला है। अच्छा, इस तरह सारे पड़ोसी आए कर उनने उठाए ले। संत रामपाल, सतगुरु देव रामपाल जी महाराज उसमें रहा करते, छोटा आश्रम था बरवा इस पर दौलतपुर रोड पर, और उनने आके बच्चे ने और बच्चे के घरवाली ने नाम ले लिया। तो गुरुदेव कहने लगे बेटे मरता नहीं, घबराओ ना, अजीब कौन बचानिया है। बोला तो जो बताया है या भक्ति करो और ठीक हो जाएगा। और टब्बर ने ले आइयो सारे ने, तो बच्चे ने लिया या दूसरे सत्संग में तीसरे में। तो फिर ये 2005 की बात है, 2006 में शुरू में मार्च में कहने लगे गुरुजी महारे सतगुरु देव रामपाल जी महाराज कि बेटे अब तो ठीक हो गया। अब जी ठीक तो हो गया, एक महीने से वहीं रुक गया, जहाँ बीमारी ठीक होती जा रही थी वो रुक गई वहीं। वो माथे पर हाथ लगा के जो आँखें ही तरफ देख के कहने लगे है बेटे मैंने कहा था सारे टब्बर ने जाना है, मैं तो समझूदा गुजर गए होंगे, तेरे माँ बाप फिरन लग रहे हैं, तू इनको कौन ले आया? बोला जी न्यू तो भाई के बच्चे भी हैं, भाई तो गुजर गया था, भाई तो पड़ोसी होता है,
और जो माँ बाप होता है वो बच्चा चाहे उल्टा भी बोल लो लेकिन वो फिर भी माए बाप रहता है, उनको ले आओ ठीक हो जाओगे। तो गुरुदेव रामपाल जी महाराज ने उनसे कहा, उन्होंने कि उसकी माता ने तो लिया अगले सत्संग में अप्रैल मार्च में समझो, तो अप्रैल वाले में फिर उन्हें चिंता होगी जो 6-7 का उड़ेसी का था वो सत्संग 2006 में। तो बोले माँ तू मेरे पिताजी ने लिया होगा, हम जा रहे हैं और कल न सत्संग है। बोली भाई सा कट्टर है सत्संगियां पे घना खिज रहा है, और खिजन की यह थी जी मैं बताऊं सबसे बड़ी बात है, हमारे गांव में 400 घर नाम ले रहे कम से कम, को सरसे वाले का, को आसाराम का, को ब्यासा जी का, को धन धन सतगुरु, ये 85 हो रहे हैं शेष है। तो सारे ओके बीड़ी पीवे, सारे शराब गणखरे पीवे, अड़ंगा भी खावे, तो इसलिए मैं बहुत ही खिजा हुआ था। दोनों पोते और पोती बाया के चिमड़ गए कसूते रह, दादाजी हमारी बात माननी पड़ेगी जब हम आपकी मान्या करते। अरे मैंने समझी थी इम्तहान हुए हैं, बच्चे वर्दी मांग लेंगे और क्या करेंगे, 3000 लाएगी जो मैं तेरी छूट भाई कुछ मांगो ना जी। बोला पैसा वाली चीज नहीं मांगनी। मैं कहा और आज से सत्संग शुरू है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का, और वो सत्संग सुने हो भाई मेरी बांध ढीली कर दो, मैं तारा ऑर्डर मान गया। नहीं जी ऑर्डर नहीं आई, वो रिक्वेस्ट है। ऑर्डर तो वो है जी हम न्यू कवा आप जाके नाम ले लो, हम तो न्यू का सत्संग सुने हो जी, रिक्वेस्ट है। मैं सोची मैं बच्चा 5वीं क्लास का इतने दिमाग, ये भी जवाब दे दिया, वे रिक्वेस्ट क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। माँ भाई तो यह भी मान ली तारी, चलो मैं यहाँ आ गया। तो सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का उस सत्संग का टाइम हो रहा था, तुम आए आते हैं कृष्ण वगैरह कम तक कम 50 जींद के हृदय के मैंने जान पहचान के दिख गए, कहने लगे यू किस तरह आ गया भाई सत्संग, यान तो गाली दिया करता। मैं बोला भाई कृष्ण जी मन कोई ना टोकियो, मैं ये है कि तारे गुरु जी, मैं इसी तरह बोलिया जी भाई ये है कि तारे गुरु जी, हाँ जी ये सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज हैं, यही है ही बाय के बैठे हैं भाई, इतने सत्संग भी हो मेरे गले कोई बोल नहीं गा। बोले अच्छा जी, मैं बैठ गया अगर ऊंचा सुनिया करता कान भी नहीं कर लिए, तो मैंने ध्यान से सुना सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने उस दिन सृष्टि रचना छेड़ दी, आर्य समाज का प्रधान रह लिया 10 साल, तो फिर भी ये पता नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु में इससे आगे भी कुछ है, तो मेरे उस वी चौंधे खुले, तो मैं वहीं से प्रसाद लेकर हाथू धो के तो गया पूछ के, वो बोले यहाँ फार्म भराओ, तो नाम ले लिया। तो नाम लेने के बाद मैं जब बोले जी जल्दी जाओ थोड़े हैं कोई क्वाद रह जाओगा गुरुजी उठ जाएंगे दर्शन करो बैक के, तो मैं सतगुरुदेव के दर्शन रामपाल जी महाराज के दर्शन वास्ते गया, तो दो ही भगत खड़े थे, तो मन पूछ कर गया था पहले भाई राम राम करनी है कि नमस्ते करनी है गुरुजियां के पास जाकर, उन्होंने कहा जी हाथ जोड़ के सतसाहेब करनी है सतगुरुदेव की रामपाल जी महाराज की। मगा अच्छा जी, तो मैंने नज़दीक जा के सतसाहेब सतगुरुदेव जी, तो मैंने नज़दीक गया तो सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने मेरे माथे पर हाथ लगाया, कहने आँख भी देखी तो उनमें मेरी जान का कोई नहीं खड़िया था अंदर, ना गुरुजिया ने बेरा था बाज उसने भी आना है कि नहीं आना है, कौन सा द्वादा थोड़ा ही था। तो बोले ये वो नरेश पटियाला चौक पर रहता नहीं उसका पिता है, इसके उसकी माँ तो 15 दिन पहले आली, अरे वो आज आया है, वो 2005 में आ लिए, मैं जी यूं खड़िया था तो एकदम मेरा तो सन्नाटा गया, ओ हो सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज अकेले को नहीं तो अंदर परमात्मा बैठे इनके, तो मेरा एकदम माथा चरना बजाय टिक गया, कोई सोचा समझा नहीं मैंने, अग बिचारे हो गद्दे ही गया, तो जान दी मेरा खवा पकड़ गए लाए के छाती गए हो,
बेटे पैर गए, फिर और दूना हो गया। जो अपने से दुगनी उम्र का ने बेटा कहेगा तो सादा आदमी नहीं कह सकता। हमारा आपका को भतीजा लगता होगा नहीं तो उसने, और वो बाप का का, लेकिन उसने आदर से बोलांगे उसका पूरा नाम लेकर, लेकिन बेटा कहने में शर्म आवे थोड़ी। तो जो मालिक की भावना से अंदर से मालिक ने बेटा कहा है, वह फिर मेरे दिल में जाके गड़ी। मैं तो सतगुरु रामपाल जी महाराज अकेले नहीं है, इनके अंदर तो भगवान बैठे है, सकल सकल है रामपाल जी की महाराज की। तो मैं बोला जी मेरे वाली तो कोई बात नहीं, वो बच्चा ठीक हो जाए, तीन घर उजड़ रहे हैं। तो तीन कैसे, माँ लड़की का भी इस तरह, लड़का भी मर गया, पति भी मर गया, बड़ा लड़का गुजर लिया था, भी मरण हो रहा। बोला जो बताया नाम लिया है, सारा टाबर जुट के काम जो करते रहो तो सब बंदी छोड़ दूर करेंगे। तो जी कुछ दिन के बाद मेरी लठोरी गिर गई, पैदल चलने लग गया। नहीं जे एक तो भक्तमती पकड़ दी बा, दूसरे ने कहती भाई चढ़वा ये बस में, वो मने बस में चढ़ा कर दे, जब ये हादसा शुरू में आया हूँ। अच्छा मैं मालिक नहीं सा बना दिया, मैंने बाहर का आदमी बस में बैठे न्यू ही नहीं कहता, तू 70 तो ऊपर का है, 70 नीचे का बताऊँ है, और 85 साल का हो गया मैं। बाकी जो लड़का था दोनों गुर्दे खत्म थे, तो डॉक्टर दिल्ली वाले के पास गए तो ये खुद ओरा ने लेके जा कर दे, क्यों मैं खटोली में पड़ा था। तो उन्हें कहा भाई 15 लाख रुपये लेकर आ जियो, और भाई गुर्दा महंगे हो गए, 14 लाख का गुर्दा अड़ेगा, लाख तारे ऊँ भी खर्च हो जाएंगे, बोला खर्चे पानिया में रहोगे। बोला तो बोले पिताजी इस तरह बात है। मैं बोला भाई इतना तो मेरा ब्याह तो कोई नहीं रह रहा, अभी 2-2.5 लाख छोरे पे लग गए थे, उतने लागन लाग रहे। तो देख बोला मेरे पे तो खर्चा ही खर्चा चल रहा है, मैं खुद ही बीमार पड़िया, चलो माँ करेगा ले भगवान। अच्छा जब तक नाम नहीं लिया था तो मैं उस डॉक्टर का जानी पिछानी एडमिट होया, तो मैंने मेरी हालत बता दी। तो उसने जाके जब दिल्ली वाले डॉक्टर आगे कहा, अरे इनका लड़का है वो नरेश, कहने लगा ओहो ताऊ जी फिर तो दोबारा चेक करूँगा। माँ जी फिर के बाद, ना जी दोबारा करूँगा। तो दोबारा चेक कराया 4-5 मशीनों में, तो लड़का आगे तो बोले बैठ जा बेटे, ले जो भाई इसने उठा के, ठीक है और बिना ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहने लगे जी महीने तो 5-7 दिन ऊपर ले ले तो ले ले, और नहीं जे महीने के अंदर मर लेगा। तो डॉक्टर कहने लगा ताऊ जी घर ले जाओ, को नकली गोली बट्टी दे दो, न्यू कह दो ये बहुत कीमती है और यही सुइयां का दवाइयां का सब काम करेगी ऑपरेशन का, ठीक हो जाएगा और ये महीने के अंदर मर लेगा। नहीं तो हमने तो 8 लाख का गुर्दा मिल गया था और आप पे 14 लाख ले लेंगे। ये बात हमने यह आएगी कि डॉक्टर के नाते से इतने बुजुर्ग आदमी या कोरी मार ठगी मारी गई, तो आप ले जाओ। तो वो गेट दिया जी मरिया समझ के, जब मालिक की रजा हुई है नहीं, सारे पड़ोसी आकर मालिक के चरणों में लिया है। आज जो आप बरगा जवान अट्टा कट्टा होया बैठा है, सारे काम सहम लिए, सतगुरु देव रामपाल जी महाराज ने ओ बचाया, उसका घर बच गया, मैं जवान कर दिया। जो मेरी छोटी लड़की थी तो उसका पति भी मर लिया था, लड़का भी मर लिया था, दो बच्ची रह गई थी छोटी छोटी, तो उसने लिया या मैं नाम नूम दिलवाया। तो सतगुरु देव रामपाल जी महाराज कहने लगे बेटे बिटिया पे आमदनी, मान जी और आमदनी के 4 किले हैं, उन चकोता ठेके में अपना गुजारा चला लेंगे। तो लड़की के वो माथे बाहर रख के आँखें तब लखा के बोले ओहो ये तो बचत में जा रहेंगे, खर्चे जोगे तो सरकार में तो मिलेंगे, मिलते रहेंगे। तो हम नहीं बोल रहे उस टाइम पे, सतगुरु देव रामपाल जी महाराज के हम सत्साहब करके हम आए गए दर्शन करके। तो लड़की कहने लगी पिताजी मैं तो 5 तो जमायत पढ़ रही हूँ, गवर्नमेंट में तो मन कड़े तो मिल जाएंगे। माँ बेटी गुरु जी की बात तो झूठी तो जानती नहीं, फिर यह मेरे भी नहीं समझ मानती, इस गवर्नमेंट में तो कैसे मिल जाएंगे।
तो हफ्ते के अंदर जी खुद हेडमास्टर ने मैडम भेज के घर से बुला ली भाई क्लासो लड़की है वो विधवा हो रही है सत्यवान के घर वाली, उन्हें बुला के लाओ। मालिक ने ओ चमत्कार दिखाई दिया जी, पांच जमात पढ़ी और तो दस दस पढ़ी, अप्लीकेशन दे रही सरपंच की सिफारिश हो ली और वो ले ही नहीं, वो बुला के घर से ले ली, उसका घर बसा दिया। फिर तीसरे मेरे सगे चाचे का लड़का है रामफल, रामफल अब तो भी नाम ले गया, तो वो कहने लगी भाई तारा की सास है गुरु, मेरे छोरे में भूत बोल रहे है। भाई मेरे छोरे ने कहने लगी बोला मेरे पिताजी के लिए बात करियो, तो उसने ले कहा कि सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज दौरा, तो नाम लेंदे 15 दिन के बाद भूत का जो दो बोल रहे थे नहीं पता लग गया वो गए कहाँ। डॉक्टर साहब आप आर्य समाज के प्रधान थे, हाँ जी, तो करोथा कांड क्यों हुआ था, आर्य समाज का और संत रामपाल जी महाराज का क्या झगड़ा था? हाँ, करोथा कांड ये हुआ था जी, जो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद जी ने छपया था नहीं छपवाया था, तो उस समय मैं प्रधान भी रह लिया, जब तक एक आध पर वो बात पढ़ने लगते नहीं तो न्यूआंदी कह रही है क्यों वाली लड़की, भूरी है क्यों वाली, वो आगे तक नहीं पढ़ा करते, छोड़ो यार ये तो लड़कियां की कोई बात है, तो उसमें हम वहाँ तक फिर आगे नहीं पढ़े थे वहाँ, तो फिर आखिर सी में जाके उनकी हमने भी एक दो बात पढ़ ली थी, तो गुरु जी ने हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने तो उसमें पढ़ी 13-14 बात ऐसी गंदी थी जो कि अनपढ़ लोग में तो खपरी थी और पढ़े लिखे लड़के लड़कियां में वो खपन जो नहीं थी, कि अगर किसी का लड़का विदेश चला गया 5-7 साल के लिए तो उसमें लिखा था कि साल 2 साल बाट देख लो, 3 साल 2.5 साल तक तो फिर वो नियोग कर लो, तो नियोग कह दिया रे एक समझ में नहीं आ कर दे अनपढ़ था सौदा, तो देसी भाषा में कह दे खसम कर लिया, तो 11 नियोग कर सके है, तो हमारी बहन बेटी या बहू होगी अगर 11 खसम करेगी तो उसका टुकड़ा टुकड़ा बना देंगे, तो ये जो 13-14 बात थी इस किस्म की हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वो लिख के ये दे थी भाई इनने निकलवा के इन्हें फूक दो नया छपवा लो, ये महाराज उनसे ने पता लग गया हम तो उनका पीछा छोड़ गए गुरुजियां के चरणों में आए गए, तो मूर्ख इसमें फंसे रहे। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप आर्य समाज में क्या करते थे? मैं पहले आर्य समाज में वैसे थोड़ा हिस्सा था, फिर ये जब ये अग्निवेश वगैरह वहां से संन्यास लेकर आए नहीं, शुरू में गांव में कहने लगे भी पढ़िया लिखा प्रधान बनाओ, तो कहने लगे जी इस किस्म का तो फिर डॉक्टर देशराज है और वो अभी काफ़ी सा ले रहा है इसमें उसने, तो इनने मेरा वो नाम रख दिया, गांव वाले बोले भाई ठीक हम सारे राजी हैं, राजी हाँ। तो आर्य समाज में मैं चंदा भी कराता था, साथ में भी जाते थे उनके, आज आप भोजन वगैरह भी करवाते थे, तो क्योंकि उस वक्त ज्ञान इतना नहीं था तो सिर्फ एक रट थी कि ओम नाम सबसे बड़ा, इसे बड़ा न कोई जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा हो, तो इसने ओम ने जो काल ब्रह्म है इसे ने सब कुछ समझा करते, इसे ऊपर का कोई ज्ञान ही नहीं था, तो 10 साल तक समझो मैं प्रधान रहा, राजे समाज की वो सेवा समझी उस टाइम, तो ये तो समझा कि गलती करी है लोग बकाए हैं, हैं तो हम भी खुद धोखा पीते थे, बीड़ी भी पीते थे और तो खैर नशे नहीं थे, तो इसमें जो आर्य समाज का मतलब यूँ नहीं कि आर्य मैंने शुद्ध श्रेष्ठ, तो शुद्ध श्रेष्ठ वहाँ हम भी नहीं थे जब हुक्का बीड़ी पीते थे, अब आर्य हुए। हाँ, तो दयानंद जी को क्या मानते थे आप? दयानंद जी के शुरू से तो बहुत ही बढ़िया मान्या करते थे, अन्य कहते थे जो बड़ा ऋषि है बड़ा ज्ञानी है, जब उनकी वो सत्यार्थ प्रकाश में बातें पढ़ी नहीं उसके बाद हमें मूर्ख समझन लाए गए, वो काम छोड़ दिया, प्रधानता भी आर्य समाज से भी दूर हो गए, तो फिर एक नया चमत्कार हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का फिर हुआ, तो मेरी जो बड़ा लड़का गुजरिया था
उसकी पत्नी थी वो घर पर राह कर दी, हम पाँच चार दिन घर ला जिंदे एक दो दिन जींद, तो वो बिरसम ले कर खेत में तैयारी थी बुग्गी में रखे, तो हल लग कर वो गिर गई, उसकी आप हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई तो हम तीन चार महीने तक और रोहतक तो मेडिकल में ले पड़े रहे सासू बहू। तो मैं यहाँ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के सत्संग में आ रहा था, तो उन्हें फोन किया कि हम तो एक महीना और रहे हो गए, मेरे तो दो सत्संग तो टल लिए रही, भी टल गया मेरा तो, मैं फिर मैं पूछूंगा गुरु जी यहाँ तय मो दर्शना के टाइम में सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के दर्शना के लिए जब गया, मैं बोले तेसरा चिंता में माँ जी, चिंता में के वो बहू की जो हड्डी टूटी थी वो एक महीना और ओढ़ कहें, बोले अच्छा भगतमती बहुत ही वहीं जाए तो पड़ी है मकौर के करे जी, हरीबनों को महीना रहना पड़ेगा, महीने के बाद पता लगेगा ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, अरे चल होगा बोलिया। तो सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज अपने माथे पे दो उंगली सी नो लायक है, बोले देशराज बाहर जाएगा फोन कर अंदर है, अगर वह बहुत सच्चे दिल ते तो बंदी छोड़ के संत रामपाल जी महाराज के चरणा माना चाहती होगी नहीं, तो उसने तीन दिन के अंदर छुट्टी हो जाएगी, हड्डी जुड़ जाएगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं तो बग लिया वहां से दर्शन कर दे, करया फोन तो उसकी सासू थी जो भक्तमती बहुत ही मेरे घर वाली समझो, तो कहने लगी बेटी यू फोन आ गया तेरा ससुर का, अल्ले मारे गुरु जी ने कही है बात, बोला मैं किस तरह बोलूं कि मैं नहीं बोला डर फोन लूंगा, बोला पिताजी के कवें माँ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने न्यू कहा एक ना जो रहना कवें नहीं, तीन दिन के अंदर छुट्टी हो जाएगी जो सच्चे दिल ते नाम लेना उठती हो और अड्डी जुड़ जाएगी, चेक बेसक राइयो बोर्ड के दुआई की इनको ऑपरेशन की जरूरत को नहीं। तो बहू ने उस टाइम एक बेहतर जवाब दिया, अच्छा इतने बड़े डॉक्टर तो कह रहे हैं कि एक महीने में पता लग जाएगा एक अंगड़ का बिच्चा हड्डीगा, अरे थारे गुरु कह जुड़ जाएगी जुड़ी पावेगी, तुम्हारा वह भक्तमती कह लगी मैं मार दूंगी थप्पड़ गुरु जी के बारे में कुछ कहा जे, तुने सच्चे दिन तक लेना हो जे कह दे और नहीं लेना जवाब दे दे मर पड़ कुए में, गुस्सा आ गया उसने, तो वह फोन लेके बोली पिताजी धर्म हो लिया मैं नाम ले लूंगी आके सच्चे दिल तक हूँ, हाँ बेटी फिर ठीक है, तो मैं अपना खुश हो गया ना है तो ये अगले दिन मिलन का टाइम भी आ मैं दोपहर ने तो मतलब सा हो गया था, वो बात नहीं कह सकया भाई इन बात कह ली वोट ली, मैं श्याम वाली पर कहिए भी तो श्याम ने मैं चालन ला गया यहाँ फोन देने वास्ते, इतने ने फोन आ गया मैंने देखा माँ तो रोहतक है, हाँ माँ के बात है, बोली जी छुट्टी है आज माई तो एक महीने की, और गुरु जी ने कहा था महीना वाला दिन चेक करवाना है, दुनिया में इन्ने कहा महीना वाला दिन चेक करा जियो अरे जाओ अपने घर जाओ, बस माँ फिर तो बढ़िया होगी माँ बहू के कहे सुन बजी मन्ने के भी रहा था, तो फिर इन तो सारे तो ऊपर तो राम हो गए भी और मखौर सह के है, जब भगवान नहीं हो तो ये चमत्कार कौन कर दे, जब डॉक्टर तो कहे महीने के अंदर मर लेगा, और सतगुरु रामपाल देव जी महाराज ने कहा इसका तो मरदा कोई नहीं बेटे ठीक हो गया, तो महीने बाद एक्सरे कराए तो गुर्दिया में कड़ी खोटे को नहीं पाया, तो ही मैं सारे रिश्तेदार में सगे प्यारे में यही कहूं कि जिसने घर बसाना है सुखी तय रहना है तो संत रामपाल जी महाराज के चरणा में जाओ और वहां अपना सारी तरह का सुख पाओ, हर सुख उसको मिलेगा तो सच्चे दिल से भक्ति करो, मन में ये सोचोगे हमने गुरु की जगह भगवान मिल गया, हर है भगवान जया नाम दिया है जया के घर खखाट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप आर्य समाज के प्रधान रहे हो, तो वर्तमान के आर्य समाजियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आर्य समाज को तो क्या कहूं जी, तो गुरुदेव की उस बातों तो हम किसी ने गाली दे नहीं सकते, लेकिन मुंह तक गाली निकलना है
तो गुरुदेव जी कहें किसी ने बरदाना बोलो गाली ना दो। तो आज ये समाज बिल्कुल गंदा समाज है। सिर्फ अपने आप को जब उन्हें न्यू पूछ लिया मेरी झड़प हो आगरा खुद बलदेव गल भी होली के आर्य, तो आर्य का मैं मतलब ये बता दे गए आर्य मैंने शुद्ध और श्रेष्ठ, तुम शुद्ध कहाँ से हो और कहा मैं शुद्ध था उस दिन, अब आर्य हूँ मैं कबीर पंथी आर्य हूँ शुद्ध श्रेष्ठ, कोई गंदी चीज का हाथ नहीं लगाते, घर में नहीं बढ़ते थे। वर्तमान के आर्य समाजों को ये संदेश देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ कर कहना चाहते हैं, अगर तुम अच्छाई चाहते हो तो सत्यार्थ प्रकाश में जितनी गंद भरा हुआ है और उसने बिल्कुल ख़त्म कर दो, जला दो, अपना नया कुछ भी कुछ करो। लेकिन जो दयानंद की बात पहले हम भी ऋषि बहुत बड़े बड़े समझा करते, तब उनका पता लग गया कि वो ज्ञानी नहीं बिल्कुल अज्ञानी थे, और कहना नहीं चाहूँगा मजबूरन कहना पड़ता है कि मूर्ख थे जो इतनी जनता को धोखे में दे रहे। तो इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप जितने आर्य समाजी हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आओ और अपना कल्याण कराओ। अगर नहीं कल्याण कराना चाहते तो वहाँ दुखी होगे, बदीन माटी होगी और बुरी हालत होगी। तो दयानंद की जो शिक्षा थी हम समझा ज्ञान नहीं करते, लेकिन अब पता लग गया है बिल्कुल उनमें कोई ज्ञान नहीं था, वो अज्ञानी थे। उनको छोड़कर और यहाँ बरवाड़ा में आओ, नाम लो और अपना कल्याण करवाओ जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रधान जी।